सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अमेजन के ऊपर 17 अक्टूबर से सेल स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको रेडमी कई स्मार्टफोन के ऊपर अच्छे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस सेल में कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए रेडमी का, और कौन से फ़ोन पे आपको दोस्तों कितना डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सारे फ़ोन के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों पहले फ़ोन की बात करें तो जी दोस्तों रेडमी का नोट 9 प्रो, जो कि दोस्तों अभी आपको 14,000 रुपये का देखने को मिलेगा। इसका 4GB 64GB वाला वेरियंट अगर आप इसे सेल में खरीदते हो तो जी आपको 13,000 रुपये का देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को और मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से ये फ़ोन आपको 11,700 रुपये पड़ सकता है, जो कि मैं कहूँगा दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि दोस्तों रेडमी का नोट 9 प्रो इसमें आपको 48 MP कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों 11,700 रुपये में रेडमी का नोट 9 प्रो काफ़ी अच्छी डील है, इसमें आपको 4 कैमरे सेटअप दिया गया है और इसकी बैटरी दोस्तों काफ़ी बड़ी है, 5020mAh की बड़ी बैटरी है, जिसके साथ आपको फास्ट चार्ज देखने को मिल जाता है। दोस्तों दूसरे फ़ोन की बात करें तो जी दोस्तों रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, जो कि दोस्तों इस सेल में आपको 16,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो दोस्तों अगेन आपको 1600 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर रेडमी नोट 9 प्रो और 9 प्रो मैक्स के कंपेरिजन की बात करें तो इन दोनों में दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि 9 प्रो मैक्स में आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसका जो कैमरा है वो 64 MP का है। बाकी दोस्तों इन दोनों फ़ोन में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों सेम है। दोस्तों जिन लोगों को एक ऐसे डिस्प्ले चाहिए जो काफ़ी बड़ी हो, जिन लोगों को ज़्यादा मूवी देखने से होता है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जिसमें दोस्तों आपको एक बड़ी बैटरी मिलेगी और कैमरा दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है 16,000 रुपये में। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो अगेन आपको 1600 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये फ़ोन आपको 1500 रुपये कमी करना पड़ जाएगा। दोस्तों तीसरे फ़ोन की बात करते हैं, जो दोस्तों रेडमी का नोट 9, ये फ़ोन आपको अभी 12,000 रुपये का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सेल में खरीदते हो तो दोस्तों इसके ऊपर आपको 1,000 डिस्काउंट देखने को मिलेगा। प्लस आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो इसके ऊपर आपको 1100 रुपये का डिस्काउंट देखने को और मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से ये फ़ोन आपको 10,000 से भी कम कीमत में मिलेगा। दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए तो 10,000 रुपये कम कीमत में आए, जिसके अंदर एक बड़ी डिस्प्ले हो, बड़ी बैटरी हो और 4 कैमरा सेटअप दिया गया हो, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो अगर आपका बजट 10,000 रुपये है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, जो दोस्तों रेडमी का Mi 10, जो दोस्तों एक 5G फ़ोन है, जिसके अभी जो प्राइस है वो दोस्तों 50,000 रुपये, लेकिन ये फ़ोन आपको सेल के अंदर 45,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। और इसके ऊपर दोस्तों आपको 10% डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है। तो दोस्तों इस तरीके से ये फ़ोन आपको 40,000 के आसपास पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले कर्व्ड हो और रेडमी का फ़ोन हो, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो, वरना मैं बोलूँगा कि आप इसकी जगह कोई सैमसंग का फ़ोन ले सकते हो इसी प्राइस रेंज पर, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों सैमसंग का फ़ोन ऐसा होता है कि अगर आप उसे बाद में सेल भी करना चाहो तो वो उन तो दोस्तों आपको उसकी अच्छी कीमत मिल जाती है, लेकिन अगर आप रेडमी के फ़ोन को सेल करोगे बाद में तो इनकी दोस्तों कोई कीमत नहीं देता, क्योंकि दोस्तों ये चाइनीज़ फ़ोन होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, जो है दोस्तों रेडमी का नोट 8। दोस्तों आप इस फ़ोन को इसी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इससे बेटर फ़ोन आपको रेडमी का नोट 9 मिल जाएगा। और दोस्तों आप रेडमी का नोट 9 या फिर नोट 9 प्रो ले सकते हो इससे बेटर, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है रेडमी नोट 8 का वो काफ़ी पुराना है, स्नैपड्रैगन का 665। इससे बेटर दोस्तों आपको रेडमी नोट 9 प्रो में मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 720G, जो कि दोस्तों एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जिसमें आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो फ़ोन जिन्हें आप 17 अक्टूबर से अमेजन सेल में खरीद सकते हो, जो दोस्तों सभी रेडमी के फ़ोन हैं। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे डिवाइस की जो कि एक काफ़ी भरोसेमंद डिवाइस है, जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के गैलेक्सी M31S की, जिसके अभी प्राइस दोस्तों 19,500 रुपये, लेकिन अगर आप इसे सेल के अंदर खरीदते हो तो ये आपको 18,500 रुपये का देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ़ोन आपको 16,000 के आसपास पड़ सकता है, जो कि दोस्तों मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी डील है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपको रेडमी का कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और किन फ़ोन पर आपको कितना ऑफर देखने को मिलता है, और दोस्तों आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे ले सकते हो, ये भी आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।